नारायण दो व्यक्ति अलग अलग पैदा होते हैं, उनका पूर्व जन्म अलग होता है, उनकी गर्भावस्था अलग होती है, उनका संग अलग अलग होता है, उनका वातावरण अलग अलग होता है। तो दो व्यक्ति एक ही विचार के होए, इस प्रकार का दुरानुभव करने से तो बड़ी विषमता उत्पन्न होती है। इसलिए सबको अपने अपने विचार के लिए छोड़ देना चाहिए, किसी को अपने विचार के अधीन दबाव डाल करके, प्रभाव डाल करके जा रहे हैं तुम हमारे विचार के अनुसार चलो, ऐसा दुराग्रह अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए। विचार तो विचार ही है और उसका स्वातंत्र सबका जन्मसिद्ध अधिकार है जा रहे हैं। इसलिए दूसरा कोई हमारे विचार के अनुसार चले इसी दुराग्रह से तो घरों में नारायण वाद विवाद होता है। पत्नी कहती है मैं जो कहूँ सो तुम करो, पति बुद्धिहीन है। पति कहता है कि मैं जो कहूँ सो ही पत्नी करे, हमारे पत्नी के विवेक का अनादर है। इसलिए जहाँ तक हो सके विचारों में समन्वय करके व्यवहार करना चाहिए। इस देश में, इस काल में, इस परिस्थिति में नारायण हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करके समन्वय करना चाहिए। पहले जानना चाहिए कि दो विचार क्या है और न्याय वैशेषिक क्या कहते हैं। न्याय वैशेषिक में अंतर क्या है, सांख्य योग क्या कहते हैं, अंतर क्या है। पहले उनके विचार को जानो, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, उनके विचारों को जानो और जान करके देखो कितने मिलते हैं। और नारायण फिर देखो कहाँ कहाँ विरोध है और फिर देखो कहाँ कहाँ उनमें सामंजस्य है, सामरस्य है, कहाँ क्रम संगति है और नारायण कहाँ सम संगति है। इस पर विचार करो। केवल विचार होने से ही, किसी से विचार भेद होने से ही किसी से उदासीन हो जाना या किसी का त्याग कर देना ये नारायण उचित नहीं है। विचारों के भी अपने अपने स्थान होते हैं, अपने अपने गांव होते हैं, विचारों के भी अपने अपने देश होते हैं, विचारों का भी अपना अपना राज्य होता है, विचारों का भी अपना अपना काल होता है। केवल मेरा ही विचार ठीक है और दूसरे का विचार गलत है, ऐसा सोचना भी एक प्रकार की हिंसा है। इसलिए जहाँ तक हो सके विचारों में समन्वय करके ही अपने व्यवहार का निर्वाह करना चाहिए।